नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ओम का उच्चारण करने मात्र से आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो ईश्वर को पुकारता है वो उसके रोग हर लेता है। तो ईश्वर का सबसे मुख्य नाम है ओम। तो ओम को उच्चारण करने से आपके रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन कैसे दूर होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर फैटी है, या पेनक्रियाज डिस्टर्ब है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो इंडाइजेशन होने से आपके पाचन क्रियाएं ठीक से यदि नहीं होंगी तो बॉडी में आपका पित्त और वात डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपका वायु बढ़ी हुई है, आपको टांगों में दर्द रहता है, तो आप ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे। ये तीन ही ध्वनि अ, उ और मैं, ये तीन बुनियादी ध्वनि ओम को उच्चारण करते समय हम करते हैं। तो अ को हम अधिक उच्चारित करेंगे अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इससे आपका वात पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है, एक आपकी वायु बॉडी में बैलेंस होने लगती है। सेकेंडरी, अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं आपके साथ, हार्ट की प्रॉब्लम है, या आप बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी वीक है आपकी, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप ऊ की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे, ऊ की ध्वनि पर अधिक फोकस करेंगे, उसको उच्चारित करेंगे, तो आपके लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम, आपके थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम, अर्थात गले से संबंधित कोई भी रोग, लंग से संबंधित कोई भी रोग और हार्ट की प्रॉब्लम में आपके बहुत अधिक लाभ होगा। तीसरा, मैं की ध्वनि, जब हम मैं को उच्चारित करते हैं तो आपके जितने भी मस्तिष्क संबंधी रोग है, जो आपके ENT प्रॉब्लम्स, आपको कभी ENT के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मैं को उच्चारित करते हैं, आपकी आईसाइट की प्रॉब्लम, याददाश्त की प्रॉब्लम, नींद न आना, नींद अधिक आना, इन सभी में आपका बैलेंस हो जाएगा। आपका पार्किंसन की प्रॉब्लम हो या पार्किंसन या पैरालिसिस जैसी स्थिति में भी आप मैं की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे। तो अ, उ और मैं, शरीर को इस तीन भागों में आपने डिवाइड किया, नाभि का भाग और लंग्स का भाग, आपका हार्ट का भाग, तीसरा आपके गले से ऊपर का भाग। तो उच्चारण कैसे करेंगे हम, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। मैं तीन बार आपको ओम का उच्चारण करके दिखाऊंगा, आप इसको ठीक से समझिए। पहले आ की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे, फिर ऊ की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे और फिर मय की ध्वनि को अधिक लंबा करेंगे। श्वास को एक बार अंदर भरा, इस प्रकार से, तो आपने अ की ध्वनि को अधिक लंबा करना है। दूसरा, आपको मैंने बताया अगर आपके लंग्स, हार्ट या गले से संबंधित रोग है तो आपको ओ की ध्वनि को अधिक लंबा करना है। इस प्रकार से फिर से देखिए, श्वास को भरा, इस प्रकार से पूरा ध्यान अपने लंग्स के ऊपर होने वाली वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, अपने गले के भाग में, अपने हृदय भाग में। तीसरा, यदि आपको मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम है, याददाश्त आपकी कमज़ोर है, तो आप
मैं की ध्वनि को अधिक करेंगे। इस प्रकार से श्वास को भरा पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क भाग पर रखें और उसकी वाइब्रेशन को महसूस करो। तो इन अभ्यासों को आप अलग अलग रोगों के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं। कम से कम 21 बार इनको ओम का उच्चारण अवश्य करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आने लगेगा, आपकी बोध शक्ति बढ़ती है इन अभ्यासों को करने से। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।